अच्छा, आज हम पढ़ेंगे शॉपिंग कार्ट इन जावास्क्रिप्ट। शॉपिंग कार्ट हम कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो जी ठीक है, शॉपिंग कार्ट इन जावास्क्रिप्ट। अब शॉपिंग कार्ट बनाने के लिए हमें इंटरफेस जो है HTML में ही लिखेंगे। पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, न्यू फाइल, और फाइल सेव एज शॉपिंग कार्ड .html, शॉपिंग कार्ड वन कर लेते हैं .html, ठीक है। और यहाँ से मैं HTML करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शॉपिंग कार्ट जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। शॉपिंग कार्ट में हम इमेजेस लगाएंगे। ये इमेजेस कौन से हैं? लोगो .png, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, सॉन्ग .jpeg और ये स्टूडेंट .jpeg। हमारे पास ये समझ लें कि प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम ये करना चाहें कि मैं यहाँ पे जाऊँ और google.com और इधर मैं लिखूँ google.com और यहाँ पे लिखूँगा अच्छा, हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, और हम यही इमेजेस इस्तेमाल कर लेते हैं। और शॉपिंग कार्ट में हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इमेजेस हैं, तो H1 और H1 शॉपिंग कार्ट है। देन जो है हम करते हैं हम जो है एक IMG SRC इज इक्वल टू logo.png, ठीक है, logo.png। तो logo.png जो है width जो है इसकी मैं दे देता हूँ 100 और height दे देता हूँ 100, ठीक है। और इसी तरह मैं sound.png control C control V sound.png और control V और मैं कर रहा हूँ student.jpg, ठीक है, 100। अब हम इसका उसके बाद हम इसका इंटरफेस देख लेते हैं। ओपन इन ब्राउज़र गूगल क्रोम, ऑलवेज यूज दिस, और ओके, और क्विट ओपरा। और यहाँ पे ये तीन इमेजेस हैं, मेरे ख्याल में एक में कोई प्रॉब्लम है, sound.png है, sound.jpg है, तो jpeg है, jpg। और इसमें मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी, ये स्पेस और ये स्पेस, ठीक है, और कंट्रोल R। ये इस तरह जो है ना तीन प्रोडक्ट्स हैं, तो हम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट्स और स्पेस, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है क्लिक ऑन, यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन प्रोडक्ट, क्लिक ऑन प्रोडक्ट टू ऐड इन बास्केट, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। और VR और ये जो है कंट्रोल R, ये इस तरह बन गया था क्लिक ऑन प्रोडक्ट। मेरे ख्याल में मैं इसको 200 कर दूं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है, ये ताकि यूज़र को कोई नज़र भी आए कोई थोड़ा सा। ये बेसिकली ये तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ ना, आपने बेहतरीन इंटरफेस जैसे शॉपिंग कार्ड बनती है वो बनाना है, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, मैंने लिखना है स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट डिस्प्ले कहाँ पे होगा? ये एक डिव होगा, क्लास इज इक्वल टू, मैं ID लगाऊंगा, ID इज इक्वल टू कार्ट का एक ID होगा, ये कार्ट इसमें डिस्प्ले होगी। अब मैं लगाता हूँ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैं करता हूँ ये स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैं करता हूँ, सबसे पहले क्या है, हमने स्टोरेज डिफाइन करनी है। तो स्टोरेज क्या होता है? वेरिएबल। स्टोरेज क्या होता है? अरे, ठीक है। तो मैंने लेट, ये प्रोडक्ट्स हैं,
तो प्रोडक्ट्स कहेंगे प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। एरे का क्या मतलब है, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो रैम से ये वॉश हो जाएगी, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हम एरे में स्टोर करेंगे प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब मैं ऑन क्लिक करूँ इस इमेज को क्लिक करूँ, ऑन क्लिक इज इक्वल टू एड प्रोडक्ट, एड प्रोडक्ट करता हूँ, और वो प्रोडक्ट का क्या चीज़ मैं भेजूँगा, मैं उसका इंडेक्स भेजूँगा, पहली बात मैं उसका जो है नाम भेजूँगा प्रोडक्ट वन और मैं उसका क्वांटिटी भेजूँगा वन, और मैं उसकी प्राइस भेजूँगा 100, ठीक है। ये जो है मैं प्रोडक्ट वन को मैं सिंपल ये करता हूँ सिंगल कोट्स, क्योंकि डबल कोट्स पहले हुए हैं, ठीक है। ये नाउ ऑन क्लिक कंट्रोल सी, यहाँ पे भी वही कंट्रोल भी कि जीरो के बजाय इंडेक्स क्या होगा, इसका वन होगा, इंडेक्स वन होगा, और इसका क्या होगा, ये प्रोडक्ट टू होगा, प्रोडक्ट टू, और इसका इसके कितने डॉलर है 200, और इसके जो है ये 300 हो जाएगा। ये अभी फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने बनाना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट 3 हो जाएगा और यहाँ पे इंडेक्स 2 हो जाएगा। ये मैं भेज रहा हूँ जब ये क्लिक करे तो इस फंक्शन में जाए और ये वैल्यूज लेके जाए, तो इन वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा, किस में ऐड करूँगा, मैं एक मिनट इसको कर लूँ, किस में ऐड करूँगा, इस एरे में कैसे ऐड करूँगा। अब मैं फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन वही जो उधर किया हुआ ऐड प्रोडक्ट, फंक्शन कौन सा, ये फंक्शन कैमल केस नोटेशन में, मैं जीरो को कहता हूँ आई इंडेक्स, ठीक है, नाम को कहता हूँ नेम, उसके बाद क्या है क्वांटिटी क्यू डी वाई, और प्राइस ये मैं कर देता हूँ। ये चार चीज़ें, यानी ये जो जीरो है ये आई में कॉपी होगा, नेम जो है नेम में कॉपी होगा, प्रोडक्ट वन, क्वांटिटी क्यू डी वाई में वन और 100, ये वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो अरे है प्रोडक्ट्स डॉट पुश, जो प्रोडक्ट्स की अरे है उसमें पुश क्या करो, एक अरे पुश करो, उसमें क्या लिखो, उसका नेम लिखो, कॉमा क्वांटिटी लिखो, कॉमा प्राइस लिखो, ऐसा ही है, ये ऐड हो गया, ये यानी ऐड हो गया। अब मैंने क्या करना है कि जब मैं ऐड बटन क्लिक करूं, यानी यहाँ पे मैं ऐड बटन क्लिक ऐड नहीं जब मैं इसको ऐड करूं तो ये कार्ट में डिस्प्ले हो, इस कार्ट में ये डिस्प्ले भी हो जाए, तो मुझे एक फंक्शन डिस्प्ले प्रोडक्ट्स ठीक है, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स क्या है, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स फंक्शन डिस्प्ले प्रोडक्ट्स में हम डिस्प्ले करेंगे फॉर। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रोडक्ट्स में फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, यानी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं और आई प्लस प्लस, और यहां से मैं ये करता हूं। अब मैंने करना क्या है, इसमें डिस्प्ले में मैं किस चीज में डिस्प्ले करूंगा, मैं करूंगा टेबल में, लेट str कर देता हूँ, str इज इक्वल टू बैक्टिक और सेमी कॉलन, और यहाँ से मैं ये करता हूँ, और ये जो है ये यहाँ पे, और मैं टेबल करता हूँ, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन करता हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू वन, और मैं ये करता हूँ, और इसमें मैं करता हूँ, अच्छा एक ये टेबल बना, और टेबल में मैं tr करूँगा tr, और यहाँ पे मैं करूँगा tr, ठीक है, tr में मैं करूँगा td, और मैं करूँगा td, ठीक है, td में मैं करूँगा नेम, मैं करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल बी नेम, नेम के बाद क्या होगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद क्या होगा प्राइस है, और उसके बाद क्या होगा टोटल होगा, और एक होगा कंट्रोल बी प्लस का बटन, ठीक है, और एक होगा माइनस का बटन। तो ये हमारी पहली रो होगी जो कि बेसिकली टीएच है, ये सारा टीएच है, ठीक है,
टी एच कर लें, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, टी एच, ये क्योंकि हेडिंग हेडिंग रो है तो ये टी एच होगी, टी एच, टी एच और टी एच, ये हमारी पहली रो हो गई, ये एस टी आर है। मैं ये करूँगा कि इसके अंदर दूसरी रो बनाऊंगा, एस टी आर इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ कि ये कॉपी करूँगा, ये मैंने कॉपी किया, और जो एस टी आर है, जो एस टी आर का क्या मतलब है, उसमें ये, तो उसके साथ ऐड करो एस टी आर इज इक्वल टू, जो एस टी आर में है उसके साथ प्लस करो बैकटिक बैकटिक, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल डी, ये ठीक है, और नेम क्या लिखूँगा मैं, इसको बैकटिक करूँगा, ये बैकटिक है, और प्लस प्लस और बैकटिक है, ठीक है। मैं ये जो चीज़ है ये सब मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि ये इसमें भी कॉपी करता हूँ, इसमें भी पेस्ट करूँगा, प्राइस की जगह प्राइस आ जाएगी, टोटल की जगह टोटल आ जाएगा, इसकी जगह बटन आ जाएगा, इसमें बटन ऐसे ही लगाएंगे, एक बटन होगा, ये टी एच नहीं है यार, ये टी डी है, ठीक है, टी डी है, वैसे एरर नहीं आएगा टी एच डी डी, ये तो आप एच टी एम एल जानते हैं ना, हेडिंग आ जाएगी वो थोड़ा सा, लेकिन आपने ये बनाना ही नहीं है टी एच, आपने तो डिव में बनाना है ना, आप अब डिज़ाइनर है, आपने बेहतरीन डिव बेस्ड वेबसाइट बनानी है, ये तो जस्ट लर्निंग पर्पसेस के लिए और टाइम को कम करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि डिव की क्लास है बनाना मुश्किल, राइट। तो मैं करता हूँ बटन, मैं टी डी में यहाँ पे बटन लगाऊँगा, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू, क्या होगा ऐड में, क्या होगा इंक्रीमेंट, 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 इंक्रीमेंट में मैं बैकटिक बैकटिक यूज़ करूँगा, और बैकटिक यूज़ करके बैकटिक यूज़ किया, और बैकटिक में मैं प्लस प्लस करूँगा, और ये करूँगा, और यहाँ पे मैं जो इंडेक्स आया है आई की वैल्यू, मैं ऐसा करूँगा, आई की वैल्यू नहीं करूँगा, मैं इंक्रीमेंट करूँगा जो इंडेक्स आया है, जो इंडेक्स आया है वो इंडेक्स भेजूँगा, और जो प्रोडक्ट का नाम आया है, यानी जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो प्रोडक्ट्स ऑफ आई नेम, प्रोडक्ट्स ऑफ आई वन, यस, तो मैं इंडेक्स भेजूँगा, प्रोडक्ट्स का इंडेक्स भेजूँगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे क्या करूँगा, इंक्रीमेंट, ये बटन बना रहा हूँ ना, ये बटन है, और ये जो बटन है डिक्रीमेंट में माइनस होगा, डिक्रीमेंट में क्या होगा, डिक्रीमेंट में क्या होगा, माइनस, माइनस क्या होता है, ये माइनस, ठीक है, तो माइनस डिक्रीज करने के लिए ना, ये एक रो बनती जाएगी, ये सारी हम देख चुके हैं कि बेसिकली ये लूप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी रोज कंकैटिनेट होके एसटीआर में आ जाएंगी, लास्ट जो एसटीआर में जितनी भी रोज हैं, जितनी भी रोज ये हैं एसटीआर में, उनके साथ प्लस करो, ये टेबल को क्लोज करो, टेबल को क्लोज करो, ठीक है, ये टेबल को क्लोज किया, और करना क्या है, जो कार्ट है, कार्ट डिव है, उसकी इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू एसटीआर कर दो, जो एसटीआर बना है उसको कर दो, ये डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल आर, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ कि क्या इंस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे कोई एरर है, यहाँ पे एरर ये है कि इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन ऑफ पोस्ट फिक्स 46, ये कहाँ पे है 46, वो उसने, यार ये F11 है नहीं, लेकिन 46 में तो ये क्या कह रहा है, STR, ओके, यस, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, मैंने लेट नहीं किया, लेट, ठीक है, डिक्लेयर करना है ना, यहाँ पे किया, अब कहता है इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन पोस्ट फिक्स एट लाइन 46, मैं ये करता हूँ,
एरर आ रहा है, एड प्रोडक्ट। अच्छा लेट नहीं करेंगे हम, लेट इधर नहीं करेंगे, ये करेंगे। लेट किया हुआ है ना एसटी, आप लेट किया हुआ है आपके से इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस प्लस प्रोडक्ट्स डॉट लिंक और इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड, एक मिनट कंट्रोल आर इनवैलिड ए शॉपिंग कार्ड 15। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, ये इसमें क्या एरर है इसमें देखना। मैं STR1 करता हूँ और इसको भी STR1 करता हूँ, STR1। हाँ, ओके, प्रॉब्लम ये हो गया, ये STR ही रहेगा यार, ये यहाँ पे नहीं कह रहा, बेसिकली इसी में कह रहा है, लेकिन ये STR1 ये वेरिएबल चेंज ना कर। हम ये करेंगे प्लस प्लस के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, तो प्रोडक्ट्स ऑफ आए यानी एरे उठाओ और एरे क्या यहाँ पे क्या है, अरे का क्या है, अरे का नेम है, नेम कहाँ पे है, वन में, अरे के वन में है ना, नेम वन में है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ टू करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ थ्री और मैं नेम प्रोडक्ट टोटल क्या होगा, टोटल होगा जो क्वांटिटी है यानी प्रोडक्ट्स ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय ये जो है ना। मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक ग्रैंड टोटल ले लेता हूँ, लेट ग्रैंड टोटल हमें ग्रैंड टोटल भी निकालना है, इजिकल टू ज़ीरो लूप के बाहर इजिकल टू ज़ीरो और ग्रैंड टोटल इधर कैलकुलेट करना है। मैं करूँगा ग्रैंड टोटल इजिकल टू ग्रैंड टोटल टोटल प्लस ये प्रोडक्ट्स ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री का मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री क्या है, प्राइस, और प्रोडक्ट्स ऑफ टू क्या है, क्वांटिटी। इन दोनों को करके ये ग्रैंड टोटल आ जाए, नहीं ये टोटल होगा, ये ग्रैंड टोटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको उठा के इधर लगाऊंगा, ये जो है टोटल तो ये होगा ना, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल, समझ आ गई है, ये आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल आर करता हूँ, वो एरर गायब हो गया, ठीक है। अब मैं ऐड करता हूँ, ऐड ये आ गया, फिर ऐड करता हूँ, प्रॉब्लम, ये दोबारा ऐड हो रहा है और प्राइस अनडिफाइंड है। प्राइस अनडिफाइंड क्यों है ये देखते हैं, प्राइस अनडिफाइंड इस वजह से है कि हम जो ऐड कर रहे हैं, जब पुश कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें नेम क्वान्टिटी प्राइस, तो ये जो है ना, ये कहता है अनडिफाइंड नॉट अ नंबर टोटल, प्राइस जो है नहीं आ रही, प्राइस यहाँ पे ज़ीरो, हाँ ये ज़ीरो होगा ना, ये ज़ीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, और ये जो है ये वन और टू होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, यानी क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी को क्या करेंगे, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम कंट्रोल आर करते हैं और ये मैं ऐड करता हूँ, तो ये आ गया 100। मैं अगेन ऐड करता हूँ, अगेन ऐड आ गया, अगेन ऐड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी क्वांटिटी चेंज हो और प्राइस चेंज हो जाए, ठीक है। तो कैसे होगा, जब ये ऐड हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि नया टब है, इफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये वाला काम करें। मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं लगा देता हूँ। एल्स जो है, एल्स क्या करें, जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ आए की क्वांटिटी क्या है, वन, क्वांटिटी वन है, मैं प्लस प्लस करें, क्वांटिटी में प्लस प्लस करें और डिस्प्ले प्रोडक्ट्स करें, यानी क्वांटिटी में अगर नहीं है तो पहली दफ़ा ऐड करें। अब प्रोडक्ट एग्जिस्ट कैसे चेक करेंगे, मैं प्रोडक्ट एग्जिस्ट को लेता हूं और ये फंक्शन बनाता हूं, यहां पे जाता हूं और एक फंक्शन बनाया, फंक्शन और प्रोडक्ट एग्जिस्ट,
प्रोडक्ट एग्जिस्ट में मैं फॉर की लूप लगाऊंगा, मैं फॉर की लूप का भी कर लेता हूँ, हमने लगाई है यही फॉर की लूप है, मैं इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर एंटर और यहाँ पे मैं कर लूँगा। नाउ हम क्या करेंगे इसमें बेसिकली प्रोडक्ट एग्जिस्ट के इफ जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स ऑफ अच्छा हम जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट जहाँ पे होगा तो मैं जो नेम है वो मैं भेज रहा हूँ, नेम इसमें भेज रहा हूँ, ये वाला नेम ये मैं पास कर रहा हूँ प्रोडक्ट एग्जिस्ट को, प्रोडक्ट एग्जिस्ट को पास कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट फंक्शन है, इसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ और ये लूप चलेगी। लूप का कौन सा चलाना है, आई ऑफ नेम क्या है वन, आई ऑफ वन इज इक्वल टू नेम, अगर नेम के क्या नेम जीरो है, नेम जीरो है तो ये नेम है, रिटर्न फॉल्स रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स रिटर्न ट्रू, तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स। अच्छा अगर इसको इस लूप के अंदर कभी भी मिला तो ये रिटर्न ट्रू भेज देगा, रिटर्न ट्रू भेजेगा, अगर ये पूरी लूप खत्म हुई और ये रिटर्न ट्रू ना भेजा तो रिटर्न फॉल्स भेजेगा, रिटर्न फॉल्स भेजेगा जब तो फॉल्स जो है ये फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स तो ये ट्रू हो जाएगा, प्रोडक्ट एड हो जाएगी। इसका मतलब है लूप के अंदर नहीं है तो नहीं है, अगर इसने दरमियान में वो नाम उसको मिला तो वो ट्रू भेजेगा, अब यहाँ पे आएगा ये ट्रू भेजेगा तो इसकी जगह ट्रू आ जाएगा, इसकी जगह ट्रू, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स नो ये नहीं होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा एल्स, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ आई वन यानी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऑलरेडी कार्ट में एग्जिस्ट करता है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, यही है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ, मैं कंट्रोल आर करता हूँ, ये देखिए रैम वॉश हो गई है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको ऐड करता हूँ, अगेन ऐड करता हूँ, ये देखिए ट्रू हो गया, अगेन ऐड करता हूँ, दूसरी ऐड करता हूँ, एक दफ़ा ऐड होगी ये, मैं तीसरी ऐड करता हूँ, मैं एक दफ़ा ऐड होगी ये, ठीक है इसको ऐड करें, ये देखिए ये ऐड हो रहा है, समझ आ गई। अब हमने करना है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कैसे करना, मैं डाउन एरो करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ इंक्रीमेंट, फंक्शन इंक्रीमेंट, फंक्शन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट किस चीज़ को करना है, इंक्रीमेंट जो इंडेक्स है, इंक्रीमेंट में हमने इंडेक्स, इंडेक्स जो एरे का इंडेक्स है, कौन सी एरे का इंडेक्स है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ किस चीज़ को एक्टिवेट करना है, वन को, क्वांटिटी को क्या करना है, प्लस प्लस करना है। डिक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट जो है ये डिक्रीमेंट जो है माइनस माइनस करना है, तो मैं डिक्रीमेंट करूँगा और इंडेक्स है और इंडेक्स के वन को माइनस माइनस करूँगा, और बेसिकली जब भी ये इंक्रीमेंट हो तो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स आ जाए, डिस्प्ले प्रोडक्ट फिर कॉल करना पड़ेगा ताकि अपडेटेड एरे बने, अपडेटेड अपडेटेड कार्ड बने यानी अपडेटेड टेबल हो, ठीक है। मैं कंट्रोल भी करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ और मैं करता हूँ डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, तो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स में मैं ये करता हूँ और कंट्रोल आर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से ऐड करूँगा ये ऐड कर रहा हूँ, इधर से ऐड करूँगा ये मैं ऐड कर रहा हूँ, इधर से ऐड करूँगा मैं ये ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं इस प्लस को क्लिक करूँगा तब भी ये ऐड हो रहा है, माइनस को क्लिक करूँगा ये डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ ये एक मिनट, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, वो माइनस में चला गया, माइनस नहीं हो रहा, माइनस क्यों नहीं हो रहा, प्लस भी कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, ये इंक्रीमेंट है ना यार, डिक्रीमेंट होगा, ये फंक्शन का नाम डिक्रीमेंट है, आप यार फंक्शन का नाम डिक्रीमेंट है, तो ये मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, ये प्लस प्लस कर रहा हूँ, ये प्लस प्लस कर रहा हूँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस हो गया, ये प्लस कर रहा हूँ, ये माइनस कर रहा हूँ और ये प्लस माइनस, यही कंप्लीट शॉपिंग कार्ट है। आपने इसका डिज़ाइन अच्छा बनाना है, राइट, डिज़ाइन अच्छा बनाना है। अब यह है कि उसको ग्रैंड टोटल भी चाहिए, क्योंकि उसकी इसके बाद उसने चेकअप करना है और उसने क्या करना है, उसने पे करना है, तो उसके पास अमाउंट है वो देखेगा, अगर अमाउंट नहीं है, कम है ज़्यादा है, मैं नहीं करना ज़्यादा, इसको माइनस करेगा प्लस करेगा, शॉपिंग कार्ट है इसकी जगह, यहाँ पे ऐड टू कार्ट रखते हैं एरे के साथ, यहाँ पे ऐड टू कार्ट लिखते हैं, इधर इधर इमेज बैकग्राउंड बना के इधर इमेज ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट मतलब वो मुख्तलिफ आप शॉपिंग कार्ट में जाएंगे वहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन होता है, राइट। हम ये सारा फ्रंट एंड में कर रहे हैं, फ्रंट एंड क्या है, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लैंग्वेज है, हम फ्रंट एंड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ये सारी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और सर्वर पे उस वक्त जा रहे हैं जब जब क्रेडिट कार्ड जब वो चेकआउट करेगा, जब वो क्रेडिट कार्ड डालेगा तो बेसिकली सर्वर पे एक ऑर्डर आ जाएगा और चेकआउट करेगा तो वो ऑर्डर जो है हमारे डाटाबेस में सिर्फ एक दफ़ा जा रहे हैं, बाकी सब यूज़र पे डाल रहे हैं फंक्शनैलिटी,
जितना भी बोझ है, अगर ये मैं क्लिक करूं और ये हमेशा सर्वर पे जाए तो ये प्रॉब्लम है। ये यूजर पे डालते हैं, देखिए सर्वर पे होगा, अगर 100 बंदे हैं तो 100 बार क्लिक कर रही है, 100 क्लिक सर्वर को जा रही है, लेकिन 100 क्लिक से अगर यूजर खुद कर रहा है तो वो उसका लोड सारा यूजर पे है। यूजर तो एक है ना, सर्वर को तो मल्टीपल हैंडल करने पड़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट लोड बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए? लोड बैलेंसिंग, जो चीज़ यूजर का कंप्यूटर कर सकता है वो यूजर पे डालो ताकि सर्वर सेव हो, सर्वर की क्यू सेव हो और वो नए लोगों को सही सर्व कर सके, वरना CPU ज़्यादा उसमें CPU रैम इस्तेमाल होती है, सर्वर स्लो हो जाएगा, अगर 1000 बंदा है स्लो हो जाएगा। ये इसी तरह फेसबुक वगैरह ये जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, आप राइट क्लिक करें किसी भी बड़ी साइट में, सब जावास्क्रिप्ट जगीरी लगी हुई है, क्योंकि ये फ्रंट एंड यूज़र पर डाल देता है बहुत, और यूज़र फ्रंट एंड पर सारा कुछ आ जाता है, मैसेजेस ये सब चीज़ें, तो वो यूज़र जो है वो यूज़र का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे अगर 10 बाइट भी बचें तो 100 यूज़र है तो 1000 बाइट बचा है, 1000 बाइट, ठीक है। तो इस तरह सर्वर को हम बचाते हैं, डेटाबेस को बचाते हैं, हिट डेटाबेस को हिट नहीं करना चाहिए, सर्वर को हिट नहीं करना, ये समझ आ गई है, इसमें कोई मसला। अब ग्रैंड टोटल नहीं है, मैं ग्रैंड टोटल करता हूँ, ग्रैंड टोटल कहाँ पे डिस्प्ले करना है? एक रो ऐड करनी है, कहाँ पे ऐड करनी है? लूप के अंदर करेंगे? नो, लूप के बाहर करेंगे, यहाँ पे। अगर लूप के अंदर करेंगे तो वो हर एक के साथ आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी। लूप से बाहर करेंगे, मैं करूँगा str इज इक्वल टू str प्लस बैक्टिक और ये, और यहाँ पे tr, ये tr करूँगा, नहीं ये होगा, मैं tr लिखनी पड़ेगी, मुझे tr लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं tr लिखता हूँ, यानी ये tr होगी लास्ट tr, ठीक है। लास्ट tr में हमारे टोटल कितने हैं, ये कॉल स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। td और td में मैं th लिखता हूँ इसको भी, वैसे और भी हैं th लिख देता हूँ, हालांकि ये हेडिंग है नहीं, लेकिन मैं इसको कॉल स्पेंड करता हूँ। कॉल स्पेंड इज इक्वल टू कितनी है, 3 कॉल्स पेन इज इक्वल टू 3 कॉल्स पे, 3 कॉलम का ये हो जाएगा। और इसमें क्या लिखूंगा, बैक्टिक और इसमें प्लस और इसमें ग्रैंड टोटल लिखूंगा, नहीं इसमें मैं मैसेज दूंगा, इन तीन में मैं मैसेज दूंगा, मैसेज क्या है, ग्रैंड टोटल ग्रैंड टोटल, ठीक है। और ये टी जो है ये यहाँ से मैं इधर करूँगा कंट्रोल सी, और एक में मैं ये करूँगा और इसको मैं करूँगा बैक्टिक और इसमें मैं कर दूँगा प्लस ग्रैंड टोटल कॉल स्पेन इसका नहीं है, इसका कॉल स्पेन नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कंट्रोल आर और इसको मैं ये करता हूँ और ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, गलत हो गया, ये 3 नहीं 4 है, ये 4 होगा, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल आर करता हूँ और इसको मैं करता हूँ ये ऐड हो गया, ये 4 पे भी नहीं आया, कॉल स्पेन इज इक्वल टू 4 कॉल स्पेन इज इक्वल टू 5 ये कॉल स्पेन चल ही नहीं रहा इसमें, मैं ऐड करता हूँ, हाँ अब चला है, ठीक है। ग्रैंड टोटल को मैं अलाइन राइट करता हूँ, ये आप CSS लगा के सारा कुछ कर सकते हैं, अलाइन राइट करते हैं और इसको जो है ना ग्रैंड टोटल ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ये ग्रैंड टोटल है 500, ठीक है। ये इसको करेंगे, अगर मैं एक और टेबल गाऊँ और कार्ट ऊपर यहाँ पर करूँ तो वो भी कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर इधर जाऊँगा और इधर जाके मैं जो ग्रैंड टोटल है वो उधर भी एक डिप बनाऊंगा, कहाँ पे बनाऊंगा, कार्ड से पहले नहीं, इमेज से पहले यस, यहाँ से इससे भी पहले शॉपिंग कार्ड के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक दे देता हूँ डिव और क्लास इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू क्या है टोटल कार्ड टोटल कर देते हैं और ये डिव ख़त्म हुआ। और मैं क्या करूँगा कि जो कार्ड टोटल है बेसिकली जो कार्ड टोटल है उसको मैं इधर कर दूँगा, कहाँ पे करना चाहिए मुझे हर क्लिक पे करना चाहिए, तो वो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स में होगा ना, जब प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हूँ तो बेसिकली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट्स में बेसिकली कार्ड टोटल डॉट इनर HTML इज इक्वल टू मैं ऐसे शो करवाना चाहता हूँ ये, और इसको मैं करता हूँ ये दो ब्रैकेटें और ये दो ब्रैकेटें लगा के मैं प्लस करता हूँ और ये करता हूँ और ये करता हूँ और इसमें मैं करता हूँ ग्रैंड टोटल, इसको मैं ये करता हूँ और कंट्रोल करता हूँ
और प्लस 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 करता हूँ और माइनस 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 भी ये करता हूँ। ये देखिए ऊपर आ रहा है ना 1900 टोटल, मैं इसके साथ टोटल भी लिख देता हूँ। टोटल यहाँ पे इमेज शो होना चाहिए ना, आप इमेज शो करेंगे यहाँ पे, आईएमजी लगाएंगे कंट्रोल आर। ये देखिए ये ऊपर टोटल आएगा, वो देखो वो टोटल ऊपर आ रहा है, ये देखें वो ऊपर टोटल आ रहा है ना, उसको नज़र आ रहा है टोटल। बेसिकली बास्केट में ये होता है कि छोटी सी बास्केट बनी होती है, उसमें आइटम्स भी आ रहे थे 1 2 3, यानी ये जो है ये चीज़ भी आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ ये आइटम कितने, मैं आइटम लगाता हूँ, आइटम कैसे लगाऊंगा, मैं एक वेरिएबल लगाऊंगा, लेट काउंट इज इक्वल टू आइटम काउंट, आइटम काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके अंदर जो है आइटम काउंट काउंट इज इक्वल टू आइटम काउंट प्लस प्लस। तो ये जो आइटम काउंट है ये भी मैं इधर लगा देता हूँ लूप से बाहर। मैं ग्रैंड टोटल से पहले ये जो टोटल है जो क्या कहते हैं, यानी इसके साथ फॉर एग्जांपल कि इसको मैं ये करूँगा ये, और ये मैं प्लस प्लस करूँगा, ये करूँगा और आइटम काउंट इधर दे दूँगा। मेरे ख्याल में आइटम काउंट को भी मैं ऐसे करता हूँ, तो ऐसे करके मैं सॉरी ये मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं करूँगा ये यहाँ पे लिखूँगा टोटल, ये आइटम्स हैं, ये आइटम्स जो है ना ये है, ठीक है आइटम्स, और यहाँ पे बस आइटम्स दे देते हैं आइटम्स, और ये कॉलम दे देते हैं आइटम्स, ऐसे दे देते हैं आइटम्स और ये दे देते हैं, ठीक है। और टोटल ये कंट्रोल आर, और मैं करता हूँ ये, अब मीनिंगफुल है ज़्यादा, आइटम वन ही आ रहा है, टू आइटम टू, ये देखे ना आइटम थ्री, तीन आइटम हो गए ना, और ये जो है ना बाकी चीज़ें, ये जो है ना ये चीज़ें, ठीक है जनाब। ये इस तरह इधर इमेज भी शो करवा दें, समझ आ गई है, इसको खुद करना है, ठीक है, ओके जनाब।